स्प्रे करते हुए एक लेजर स्प्रे की तरफ से जरूर आया था, बट वो काम नहीं आने वाला। रेगल टॉस बहुत ही प्यारे तरीके से वहां पर कंफर्मेशन भी निकालते हुए पोजीशन में अभी के लिए नजर आ रहे, लेकिन जोन आप देखिए यहां पर डैमेज आने वाला है। मीनवाइल रेगल टॉस ने जोनाथन को स्पॉट करके डाउन कर दिया है, तो अभी के लिए एक अच्छी शुरुआत हमें टीम सोल की देखने को मिल रही है। क्या फिनिश सिक्योर करने में कामयाब हो पाएंगे वो एक देखने वाली बात रहेगी। टीम गॉटेक वर्सेस टीम सोल जो एक फाइट है वो भी यहां पर चल रही है। आप देखिए टीम सोल के चारों खिलाड़ी जो सर्वाइव कर रहे हैं, हालांकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो रिवाइवल जो है वो इजीली मिल जाएगा। एक अच्छा जो कंपाउंड है वो अभी के लिए होल्ड करके रखा है टीम सोल ने। पुश कर सकते थे यहां पे क्योंकि उनको पता था कि एक प्लेयर उन्होंने ऑलरेडी फिनिश ऑफ किया है वहां पे, बट अभी के लिए जो पुश है वो आएगा नहीं। जो कंपाउंड है वो होल्ड करते हुए नजर आएंगे, तो उसके बाद टीम राइवलरी को जाना पड़ेगा जोन के अंदर। टीम सोल मीनवाइल व्हीकल लेकर के जा रहे टीम गॉटेक के ऊपर, एंड दो प्लेयर्स को यहां पर मिड रोटेशन स्पॉट किया गया। नॉक एंड फिनिश इंस्टेंटली कर दिया जाएगा। फाइनली टीम गॉटेक की अगर हम बात करें, नियो के रूप में एक कैजुअलिटी जरूर से आई थी टीम सोल की साइड से, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से यहां पर 1-1 जो सिचुएशन है वो हो चुकी है। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि गॉडलाइक के तीन प्लेयर्स एक छोटे से घर में रहने वाले हैं, एंड वहां पर औरंगी टैन जो है वो पीछे जा चुकी है, वो यहां पर बैकस्टैप करेगी। सोल अभी दो प्लेयर को खोया था, अभी तीसरे प्लेयर को भी खो दिया है। सोल के पास आखिरी प्लेयर बचे हैं, बट गॉडलाइक यहां पर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बेहतरीन वापसी जोनाथन वहां पर एक्शन में आते हुए, उन्होंने आई थिंक ग्लोबल स्पोर्ट्स के एक प्लेयर को फिर से डाउन किया। रिवाइवल शायद आ सकता है, बट 8-bit की अगर हम चर्चा करें, उन्होंने यहां पर एक और फाइट निकाली है, दो प्लेयर्स उनके भी अलाइव। जोनाथन यहां पर ग्रेनेड के लिए जाते हुए, इनको पता है सोल जो है पीछे की तरफ दिक्कत में है, तो अब अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सपोज कर सकते हैं, वो चीज से पड़ा था, बट अभी के लिए अलाइव रहेंगे। क्लच गॉड एक और ग्रेनेड को कुक करते हुए ऊपर की तरफ फेंका जरूर है, बट अभी के लिए ओ फिर से बहुत ज्यादा करीब ब्लॉक करके क्या गॉडलाइक यहां पर स्लैम इन करने वाले हैं, क्या रैम इन करने वाले हैं। जोनाथन ऑलरेडी निकल चुके हैं वो एज अ डिस्ट्रैक्शन काम करते हुए, जिसके बलबूते पर आई थिंक जी गॉड एंड क्लच गॉड धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एनिग्मा को रोकेंगे। जी हां, एनिग्मा वहां पर व्हीकल लेके जा रही है, बट अभी भी रुके हुए हैं। अभी पिछले मैच में भी उन्होंने यही किया था, सैनो का मुकाबला था, अभी रुके हुए थे, एंड आई थिंक वेलोसिटी के दो प्लेयर्स को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था। वही स्ट्रेटजी मुझे यहां भी देखने को मिल रही है, क्या यहां पर अभी फिर से उस चीज को रिपीट कर पाएंगे? मुझे ऐसा लग रहा है गॉडलाइक फंस सकती है एंकी। अब एक 3v3 में सिचुएशन कन्वर्ट हो चुके, स्पॉट किया गया वहां पे, क्लच गॉड को डाउन कर दिया गया वहां पे, वी गॉड जो वो एक्शन में आएंगे। एक अच्छा ट्रेड जो उन्होंने जरूर से लिया है टीम एनिग्मा के, अब दो प्लेयर्स नॉक्ड आउट जरूर से। टीम गॉडलाइक की बात करें, जोनाथन एंड वी गॉड के कंधों पर अब पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो आ चुकी है। जोनाथन अभी के लिए थोड़ा आगे जरूर से जा रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम बाय करना चाहेंगे जितनी देर में जो क्लच गॉड है उनको रिवाइवल मिल जाए, बट लेट्स सी यहां पर क्या होता है। बट मीनवाइल देखते ही देखते अगर हम बात करें तो ये फाइट जो है वो जा चुकी है टीम गॉडलाइक के पाले में। 6 finishes आ जाएंगे उनके पास, एक प्लेयर नॉक देने के लिए गए थे, बट अभी कनेक्शन जो है वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं बनेगा। बट कनेक्शन की हम चर्चा कर रहे थे, कनेक्शन बनाएंगे जोनाथन, वो निकालते हुए एक नॉक, गमला बॉय का आता हुआ एक ट्रेड, बट यहाँ पर अक्षय, तीनों टीम्स एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर बुलेट्स की बरसात कर रही है। नॉक्स, काउंटर नॉक्स हर टीम से मिलते हुए, बट अभी भी अगल राइवलरी जो है वो अलाइव है, बची हुई है आखिरी प्लेयर के साथ। जी हाँ, यहाँ पे टीम राइवलरी की बात करें, प्लेयर यहाँ पे नॉक्ड आउट जरूर से, एंड दो प्लेयर जो यहाँ पे सर्वाइव जरूर से करेंगे। लेट्स सी कुछ कनेक्शन यहाँ पर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। पहले रोटेशन करके टीम स्काईलाइट गेमिंग जो है वो जोन के अंदर तो आ गए, लेकिन काफी ज्यादा ओपन में थे। अभी भी उनके पास एक शैक का कवर जरूर से रहने वाला है। एक अच्छी चीज ये कि उनकी बैग्स जो है वो क्लियर है, और मैं हर बार बोलता हूँ कि बैग्स जो है वो क्लियर रहना एक अच्छी चीज जरूर से रहती है। टीम राइवलरी की अगर हम बात करें तो वो अभी के लिए काफी ज्यादा ओपन में जा रहे हैं। स्पॉट किया गया इनफो की साइड, तो यहाँ पर क्या नॉक आएगा? जी हाँ, एक नॉक जो हमें देखने को मिल जाएगा, फाइनल बॉस जो है वो हो जाएंगे नॉकआउट। मीनवाइल अगर हम बात करें जोनाथन की, तो वो यहाँ पर अभी रुकने का नाम लेके अक्षय को भी स्पॉट किया था। टीम राइवलरी का जो खात्मा है वो हो चुका है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 teams, इट्स अ 3v2 बिटवीन टीम रेवेनेंट एंड टीम गॉडलाइक। जी हाँ, बिल्कुल, जो डायनेमिक डुओ है, जो डेडली डुओ है जी गॉड एंड जोनाथन का, वो अभी भी अलाइव है, एंड वो है हाई ग्राउंड पे। रेवरेंट ईस्पोर्ट्स नीचे की तरफ मुझे नजर आ रही है। जी गॉड एंड जोनाथन अभी के लिए जोन के अंदर जाना शुरू करते हैं। जोनाथन एक प्लेयर को स्पॉट भी किया, बट एनकोर का जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके पास भी एक अच्छा हाई ग्राउंड है, वो जोनाथन को किसी भी समय पर स्पॉट कर सकते हैं। अब जैसे ही जोनाथन स्पॉट होंगे, जैसे ही उन पर स्प्रे आएगा, तब इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा जी गॉड का, वो कितना अच्छा कवर फायर दे पाएंगे, वो कितने प्यारे तरीके से अपने टीममेट को बचा पाएंगे। जोन जो है वो ऑलरेडी क्लोज होना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम रेवरेंट की बात करें, 5 meter जोन के बाहर एनकोर, उनको थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा। सीगोर्ड को कर लिया गया स्पॉट, उनको दिया गया थोड़ा डैमेज, जोनाथन को भी स्पॉट किया गया, और बेहतरीन स्कारल की स्प्रे से ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर पहला नॉक निकाल लिया है। 1v3 का सिचुएशन यहां पर बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पैराडॉक्स क्रूजिंग करते हुए दिख रहे हैं। सीगोर्ड की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, क्या उनके पास कोई हेल्थ किट बची है, वो एक बड़ा सवाल रहने वाला है। अभी के लिए हेल्थ किट बची हुई थी, हेल्थ किट लगा भी ली है, बट रेवेनेंट जो है वो रुकने वाली नहीं है, वो थमने वाली नहीं है, वो आगे बढ़ती जा रही है। M249 है ऑस्टिन बॉट के हाथ में। 1v1 का सिचुएशन, सीगोर्ड यहां पर उठेंगे, बट क्या गॉड लाइक उठेगी? जी हां, बिल्कुल, सीगोर्ड पहला नॉक निकालते हुए दूसरी तरफ गए, तीसरी तरफ गए, एंड यहां पर फिर से करके फाइट में गए, बट जो नंबर्स थे रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के पास वो बहुत ज्यादा बेहतरीन, एंड उसके दम पर यहां पर निकालने वाले हैं विनर, विनर चिकन डिनर टू रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स। व्हाट अ मैच!